press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLite. Ryzen second generation chip. From Intel to people have started acknowledging this. Talk about Intel and Ryzen, आपको वहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, the price difference. Now that जो definitely और Ryzen का जो price gap है वो बहुत बड़ा issue है. The reason being Intel is it is increasing its prices for all the high end CPUs. Nothing as such, but एक कारण वो भी है, उसके अलावा the technology और जो features जो Ryzen में है. Ryzen जो है. So much better than Intel. What I have been seeing on my channel is that पहले होता था कि लोग no we'll go for Intel. Now people have started asking me questions about why go for Intel if the same kind of CPU power is. वो awareness पहले उतना ज़्यादा नहीं. लोग मालूम था Intel बस Intel ही है कुछ. लेकिन अब जो है लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं उसमें बेटर परफॉर्मेंस अगर प्रोडक्ट में उससे कम प्राइस में अगर मिल रहा है अवेलेबल है डेफिनेटली. और पहले इट वॉज एएमडी में अगर बात करें पर्टिकुलर एएमडी में तो कुछ इश्यूज भी थे. हाँ, टिल बुलडोजर आर्किटेक्चर. उसके बाद से जब से ये राइजन आया, राइजन आया, आई एम यूजिंग राइजन 7 1700 डेढ़ साल से. And it's actually with a GTX 1080 Ti. So until this came, 2080 Ti came, I was like not even interested in that. Good. So and what about these APUs, the Vega 3 and Vega 5? It's okay. It's normal segment mein aa jayega. Nahi, but are the people going for these maybe 2200G and 2400G? 2400G. Hmm. Yes. 2400G acha. Chalta hai. एपीयू में अगर देखेंगे तो एपीयू में हमारा सेल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन राइजन और उसका हाई एंड में, हाई एंड में तो 27 अगर मतलब हाउ आप अगर देखो i7 8700K फॉर 9900K आई डोंट थिंक अभी तक आया अभी होगा आप लोगों के पास. तो 8700K एंड 9900K 9700K अगर वो छोड़ दें तो अभी हाउ दैट इज फीचरिंग अगेंस्ट राइजन 8700K वर्सेस 27 मतलब एज पर सेल्स 2700X. हाँ, 2700X एंड परफॉर्मेंस वाइज गुड सीपीयू. उसके अलावा प्राइस आज के टाइम अगर 8700K अबव 30,000 और 2700X 23,000. ओके, प्लस टैक्सेस सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 30,000. ओके, सो ह्यूज गैप. So that is why you know people keep. I have made 3 to 5 videos about Kolkata Nehru Place, Delhi mein, Bombay ka jo Leamington Street. I have made some videos. People keep asking me about whether make some video on Vedanta Computers because they are interested in your online business, your website. They want to purchase it through there, but. The reason is there because shops इतना ज़्यादा है इंडिया में, वो आपका सिंगल रिटेलर वेबसाइट्स इतना ज़्यादा है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट कि कैसे जाएगा, इज इट कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल इन दीज काइंड ऑफ थिंग. सो जस्ट मेक अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो अबाउट दीज. बट आई आस्क यू बिकॉज आप 3-4 ही रिटेलर हो जो अभी ऑनलाइन स्पेस में, आई थिंक 5 जो मैं काउंट कर सकता हूँ. आप लोग हो वेदांत MD है, प्राइम ABGP एक बॉम्बे का वेबसाइट है एंड IT डिपो एक बैंगलोर का वेबसाइट. आई थिंक 4 or 5 ऑफ यू आर ओनली देयर इन दिस स्पेस. सो इफ यू गाइज स्टार्ट गिविंग दिस कैश ऑन डिलीवरी, people are going to buy it. We don't have any problem to start this option. But दिक्कत ये हो जाता कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि हमें COD में वो कैंसिल बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. और हमारा क्या कॉस्टली प्रोडक्ट है और नहीं डेफिनेटली प्रोडक्ट भेज दिया अगर उसके बाद वापस नहीं आया, वापस कैश नहीं हो गया तो पूरा पूरा फिर. बट ऑन बट जो छोटे चीज़ हैं आप लोगों का जैसे CPU हो गया, GPU हो गया, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो मतलब नॉट कैश ऑन डिलीवरी, नॉर्मल पेमेंट पे भी यू गाइस सेल इट ऑफ. बट व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग मी कि यू नो आप लोगों का शायद थोड़ा सा शिपिंग चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए दो हमारा शिपिंग चार्जेस ज़्यादा आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें कारण है बिकॉज ऑफ यू आर सेटिंग इट थ्रू FedEx और समथिंग. ओनली FedEx, वी यूज ओनली FedEx.
और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं दे आर 100% सिक्योर. अगर कोई भी ट्रांजिट डैमेज है, लॉस है, कुछ भी है, तो उसके लिए कस्टमर को कोई वरी नहीं है. वी टेक केयर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. कस्टमर डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हाँ अगर मेरा पार्सल टूट जाए, डैमेज हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए. हमारा सारा पार्सल अगर उन्होंने 100 रुपीज से लेकर के 5 लाख रुपीज का भी है, दैट इज इंश्योर्ड. बट what I have been in this electronics all a field, computers all a field for last 14 years or so. तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग बट जो पिछले 2 साल में जो आपका ग्रोथ आया है मार्केट का, अभी आई थिंक लेनोवो ऑल्सो मेड अ स्टेटमेंट की ओवरऑल सेल्स का प्रोजेक्शन ओनली 5% आई, हाउ एवर द कंप्यूटर मार्केट ग्रोथ हैज उनका ग्रोथ जो है वो 43% तक है टोटल. तो हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ चेंज पिछले 2 साल में व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग दैट डेटा एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन. नो बट ऑफलाइन जो लोकल शॉप, लोकल तो देखिए लोकल जो है ऑफलाइन वो तो खरीदते ही है. ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन का लोगों में एक चलन सा बन गया अभी. ओके ओके. ये ऑनलाइन अपना चेक कर रहे हैं, उनको सारा डेटा वहाँ पर मिल समझ जा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं हर चीज को घर बैठे. इतना माइंड लिया और उनको अगर ट्रस्ट हुआ कि हाँ भाई ठीक है हम परचेज कर रहे हैं. That is why, because आप लोगों के शॉप पे there was not a single video available, so I thought I'll make a video because people want to buy it from you and they have given me, if you see my MD computers का जो video है, people are saying go to Vedanta, it is like this. So I'll just ask you for some basic prices. So i3-8100, what's the price right now for that? i3-8100 is around 88 plus taxes. And Ryzen 3 2200G? 2200, 6400 plus taxes. It's 6400 plus taxes. So it's around 7000 bucks for the, total mila ke. Haan, theek hai, no problem. Something 7,552. Okay. And graphics card mein now people are going for still GTX 1050 Ti. For normal PC. Normal PC. High end ke liye 1050 ho gaya mid range mein jitne bhi hai. Uske upar mein 1060. 70 thoda little bit slow hai. Slow hai. But again 1080. Okay. आपने बताया 8700 के 30 प्लस टैक्सेस आई गेस. राइजन 3 राइजन 7 2700 एक्सेस 23000 प्लस टैक्सेस. ओके. एंड एज पर द मदरबोर्ड्स द A320 मदरबोर्ड जो आपने बताया वो स्टार्ट फ्रॉम 3850 आई गेस. 3850 एंड B350 में भी आपके पास वेरिएंट है. अगर B350 पे अगर प्लस अगर फुली टेक्स बोर्ड्स अगर आप लेते हैं तो दैट विल कम योर अराउंड 7000. एंड उसका जो स्टार्टिंग लाइनअप है वो कितने से होगा? 5600 प्लस. ओके. एंड पीपल गो फॉर X370 बोर्ड्स और बी X470 या तो X470 या भाई they are going for that or they are going for still the no, 450 470, people are going for yes, that 50 or 470 mein price gap bhi bahut zyada tha. Wo price gap utna zyada nahi hai to. And what about these RTX cards? How is the market switching towards them? RTX ki baat kare to RTX mein 2080 Ti hotcake. Ha. 2080 270 mein still abhi thoda sa demand nahi aaya hai. Because 270 जो है अभी भी 1080 और 1080 Ti का गैप जो है ना अभी भी लोग अभी 1080 और 1080 Ti पे जा रहे हैं क्योंकि 270 हाँ इट्स नॉट वर्थ बिकॉज 55-56,000 पे वो है थोड़ा सा महंगा. 1080 Ti एंड 2080 दोनों ही आपको उसी रेंज पर जाते हैं. 1080 Ti जहाँ वाइप आउट हो जाएगा उसके बाद में 270 अपने हाँ अपने आप को सेलेक्ट. तो आप लोग जैसे बाकी के कंट्रीज में हुआ है कि स्टॉक्स बच गए हैं एनवीडिया के स्पेशली, दैट इज वाई उनका जो स्टॉक है पिछले 3 दिन में आई थिंक इट हैज प्लम 20% डाउन. सो यहाँ पे भी स्टॉक्स का कुछ ओवर स्टॉकिंग का कोई इशू है एंड कंपनी स्टिल प्रोवाइडिंग यू ऑल द जो भी आप लोगों को चाहिए ना. प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है. सो अच्छा RX 590 AMD का जो कार्ड AMD के ग्राफिक्स कार्ड चल रहे हैं यहाँ पर चलते हैं पीपल आर बाइंग देम. यस. एंड व्हाट ये RX 590 इज इट 590 इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल फ्रॉम आवर स्टोर इज ऑन 26th आई सपोज. ओके दे हैव गिवन यू द अवेलेबिलिटी. सो एंड व्हाट्स द कॉस्ट एप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर टैक्स पेड 27,500 रुपीस आई सपोज इंक्लूडिंग
including taxes. That's nice. Okay. That's but 1060, say it's quite faster. It's quite faster. And RTX 2080 Ti, what's the price range you're starting? Above lakh. Chali, thank you. I will get some more footage. Thank you very much. Thank